आपके अपने यूट्यूब चैनल नागासाड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। ओके दोस्तों, आपका 15 अप्रैल को कक्षा 11वीं का व्यवसाय का अध्ययन बिजनेस स्टडी का पेपर है, लास्ट ही पेपर है, इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, जिससे क्या है बिजनेस स्टडी के पेपर में आप 80 में 80 स्कोर कर सकें। इसलिए दोस्तों मैंने आपको क्या है पहले ही 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिया है। दोस्तों आपने इनकी वीडियो देख कर क्या है इनके जो क्वेश्चन बताए इनके आंसर तैयार कर लिए होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है 4 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो जिन जिन चैप्टर से आपका क्या है 4 नंबर का क्वेश्चन हम चैप्टर में चलेंगे और मैं आपको टिक लगवा दूंगा, तो टोटल आपके पेपर में 4 क्वेश्चन आने वाले हैं 4 नंबर के। ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका क्या है व्यवसायिक संगठन के स्वरूप, इससे 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, चलिए मैं आपको इसे बता देता हूँ। तो ये है आपका व्यवसायिक संगठन के स्वरूप वाला चैप्टर, इसे देख लेते हैं। 4 नंबर के लिए आपको क्या है कौन सा चैप्टर आपको उसमें आपको कौन सा क्वेश्चन आपको तैयार करना चाहिए, इसमें आपको सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है एकांकी व्यापार की विशेषताएं लिखिए। एकांकी व्यापार की आपको विशेषताएं बताना है। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, 5 इंसोड ले लीजिए, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है तो इसका भी 3 इंसोड आप ले लीजिए। ओके टोटल 8 दिए हैं तो आपको केवल 4 पॉइंट अच्छे से आपको तैयार कर लेना है 4 नंबर के लिए। ओके इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर लिखिए। ओके इसका भी सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है तो उसका भी क्या है 5 सॉल्यूशन आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट का। ओके केवल आपको क्या 4 से तैयार कर, जैसे इसमें आपको 8 विशेषताएं बता दी तो आपको 4 विशेषताएं अच्छे से फिक्स याद कर लेना है, इसी प्रकार से 4 अंतर आपको तैयार कर लेना है। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है एकांकी व्यापार की सीमाएं लिखिए, तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, ये आपका तो इसका भी क्या है 5 इंसोड आप इसका भी ले लीजिए। ओके ये आपका आगे तक दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है साझेदारी व्यापार एवं कंपनी में अंतर लिखिए। ओके 4-4 तैयार करिएगा तो आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगा, अभी आपके इसमें कई सारे पॉइंट नहीं है तो उसमें लॉन्ग लगने लगता है। ओके 4-4 पॉइंट करिएगा तो आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ओके ये हो जाता है, चलिए आगे देख लिए। आगे दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के लाभ लिखिए, तो कंपनी के क्या लाभ होते हैं भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ओके तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो आपको उसमें क्या है कंपनी के आपको लाभ बताना है, ये आपको दिया है कंपनी के लाभ क्रम से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसमें आपके 5 यहाँ तक दिए हुए हैं, ये 6वां, 7वां, 8वां। ओके स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं, वैसे टेलीग्राम में मैंने PDF अपलोड कर दी है तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से वीडियो के माध्यम से आप देख लीजिए मुझे कौन से क्वेश्चन आंसर तैयार करना है और PDF के माध्यम से आप क्या है एक क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिएगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका क्या है अब 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता आंतरिक व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन 3 अध्याय से आपके आने वाले हैं 4-4 नंबर के क्वेश्चन। ओके चलिए इस अध्याय में पहुँचते हैं। ओके तो ये है आपका लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता वाला चैप्टर। ओके इसी से आपका क्या है 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आपका यहाँ से आना है। ओके चलिए मैं आपको इसमें बता देता हूँ कौन कौन से आपको इसमें क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए। ओके इसमें देखिए सबसे पहले आपका तैयार कर लेना है क्या है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की विशेषताएं बताइए, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है तो इसका भी क्या है 5 इंसोड आप ले लीजिए। ओके चलिए इसके आगे देख लेते हैं। तो इसके आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है छोटे पैमाने के उद्योगों के सामने आने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब जो छोटे छोटे उद्योग खुलते हैं ओके जिनके पास कम पूंजी होती है तो उन्हें क्या है जब उद्योग खुलते हैं तो उनके सामने कौन कौन सी समस्या आती है। अब जिनके पास क्या बहुत ज़्यादा पैसा है बड़े पैमाने खुलते हैं उन्हें तो दिक्कत बहुत कम होती है, लेकिन जो छोटे वालों को आपको पता ज़्यादा होती है उनकी कौन कौन सी समस्या होती है वो आपको बताना है। 4-4 आपको पॉइंट में आपको तैयार कर लेना है, ओके ज़्यादा नहीं करना है तो आपका हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका क्या है कुटीर उद्योग की विशेषता बताइए, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके और वैसे भी आप और लॉन्ग में तैयार करते तो कर लीजिएगा, बाकी ये पॉइंट भी आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ओके इसके नेक्स्ट आपको तैयार करना है कुटीर उद्योग का वर्णन करते हुए उसके गुण लिखिए, मतलब जो कुटीर उद्योग है उसका आपको बताइए साथ ही उसके क्या है उसकी विशेषता है उसके गुण या लाभ क्या है वो आपको बताना है, तो उसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है तो उसका क्या है 5 इंसोड ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट अध्याय आ जाता है आपका आंतरिक व्यापार वाला, उससे इससे भी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं 4 नंबर के लिए। इसमें आपको तैयार करना है स्थानीय दुकान फुटकर व्यापारियों की विशेषताएं बताइए, तो इसका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है तो इसका भी क्या है 3 इंसोड आप ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है थोक व्यापारी द्वारा भंडारण की सुविधा किस उद्देश्य के लिए की दी जाती है, तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है तो इसका भी क्या है 3 इंसोड आप ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है तो 5 इंसोड आप ले लीजिए। ओके ये अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी और उपभोक्ता को दी जाने वाली सेवाएं बताइए, तो ये आपका दिया हुआ है 5 इंसोड आप इसे ले लीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है और आप आसान भी है क्या पटरी व्यापारी और सस्ते दर की दुकान में किस प्रकार का अंतर भेद करेंगे। ओके तो इसका भी दिया हुआ सॉल्यूशन तो 5 इंसोड आप ले लीजिए। ओके इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है, चलिए आगे देख लेते हैं। ओके तो आगे नेक्स्ट आपको यही आपको थोक और व्यापारी और फुटकर व्यापारी में आपको अंतर अच्छे से तैयार कर लेना, ये आपका दिया हुआ 5 इंसोड ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट अध्याय आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भी आपका 4 नंबर क्वेश्चन आना है, तो देख लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है निर्यात व्यापार में प्रयुक्त होने वाले प्रपत्रों का वर्णन कीजिए। तो क्या इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फर्स्ट इसे आप ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपको तैयार करना है देशी एवं विदेशी व्यापार में अंतर लिखिए। तो ये आपका देशी और विदेशी व्यापार में क्या अंतर है वो आपको बताना है। 4 पॉइंट अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको लास्ट सबसे तैयार करना है कप्तान की रस्सी तथा जहाजी विल्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, फास्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थे आपके क्या है आपके व्यवसायिक अध्ययन के 4 नंबर के अतिमहत्व प्रश्न। आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों बहुत सारी क्लासेस के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, जिससे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा और प्ले स्टोर से बहुत सारी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलती है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।